गर्म तेल में अपनी एडी लगा कर दम करते हैं और उनका कहना है की ना तो उन्हें तकलीफ होती है और ना ही जो मरीज है उनको तकलीफ होती है इनके पास बड़ी दूर दूर से बाहर से भी आते हैं और पूरे पाकिस्तान से इनके पास जो है वो पेशेंट्स आते हैं के बाहर मुल्क तक से दुनिया आती है आर वाला से मरीज गए इन्हें हारनिया थी आज वो ठीक है माशा जो ऑपरेट होना था वो हमारे दम ही से ठीक हुआ है इलाज से ठीक हुआ है सोली बच्चे नहीं होते औलाद नहीं होती गमीर हंजीर छाती में कैंसर छाती में गांठ हर हरनिया मैदा पर यानी कि कोई कैंसर की निशानी हरनिया नाड बोलती है बखंदर बेटे डॉक्टर ही नहीं काम कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वहां अल्लाह के कलाम चलती है बेटे एमवाईके न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सके असलम नाजिन आपका मिस सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ टीवी वी न इस वक्त हम रेनाला ख़ुद में मौजूद हैं जहाँ पर आप आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोहम्मद अशरफ साहब से जो कि गर्म तेल में अपनी एडी लगा कर दम करते हैं और उनका कहना है कि ना तो उन्हें तकलीफ़ होती है और ना ही जो मरीज़ हैं उनकी उनको तकलीफ़ होती है इनके पास बड़ी दूर दूर से जो मरीज़ आते हैं पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं और पूरे पाकिस्तान से इनके पास जो है वो पेशेंट्स आते हैं आइए इनसे बात करें अलगे जी क्या भाजी अलहमदिल्ल बेटे बबा जी आपका ताल्लुक कहाँ से है बेटे ये हम इंडिया से हैं हमारा ताल्लुक मेरे बड़े जो वो इंडिया से आए थे मेरे बाप दादा वो वहाँ भी यही काम करते थे यहाँ भी अब कम से कम वाले साहब के बतालीस साल बाद मैं कर रहा हूँ और अब मेरा आगे ये बेटा कर रहा है तो हम ये कोई भी ऐसी अंजीर खमीर कैंसर छाती में रसौली बच्चे नहीं होते औलाद नहीं होती हर किस्म का तकरीबन चल रहा है और अल्लाह का एहसान है कि बाहर के मुल्क तक से दुनिया आती है ये अभी आपके सामने भी यानी कि आर वाला से मरीज़ गए इन्हें हारनियाँ थी आज वो ठीक है माशाल्लाह जो ऑपरेट होना था वो हमारे दम ही से ठीक हुआ है इलाज से ठीक हुआ है तो अगर ये झूठ फ्राड होता कभी का ख़त्म हो जाता बेटे रिनाला खुद में आप किस इलाके में रहते हैं हम बेटा ये उकाड़ जिला उकाड़ा मैं नाला खुर्द इसके में है ये बस्सी हजूर साहब बरलभ नहर मेरा बल्कि फ़ोन नंबर भी है जीरो तीन सौ एक तिहत्तर बाईस सात पचपन आपका पूरा नाम क्या आपका मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ मोहम्मद अशरफ आपका ये पूरा नाम हाँ वल्द मोल मौली मोहम्मद शरीफ हैं जी तो बाद का तो कई मरीज नाम भूल भी जाते हैं ना वो यही करके पूछते हैं कि जो जेडे गरम तेल दे चेड़ी लांदे ने ना से उठे जाना तो कुछ ऐसे भी मशहूर है कि गरम तेल मेड़ी लगाने वाले आप अपने नाम के साथ पीर वगैरह नहीं लगाया हुआ नहीं 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 बैठे मैं उसकी عوام को धोखा नहीं देना चाहता तो मेरी तो अपने यानी कि कोई करतूत नहीं है तो किसी की عوام को पीर बन के बैठ जाना ना पैर दबवाने में जोते हैं बेटे पैर दबाने की कोशिश करनी है ताकि हम उसके मखलूक की जे अपने हर तरह से उसे रिलैक्स पहुंचा सकें ना कि उसे अपने पाँव दबाने शुरू कर दें और उसकी जेब भी साफ करें ये सब यानी कि धोखा फ्राड है बेटे जो ऑयल है वो सौ डिग्री प्लस जो है वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा वो हीट अप होता है तो जब आप उसमें पावन लगाते हैं अपनी एडी लगाते हैं आपको जलन महसूस नहीं होती बेटे ये सौ डिग्री से भी ऊपर चला गया होता है एक लिमिट होती है तेल को गर्म करते चले जाना तो तेल के अंदर भी आग लग जाती है जो फिर बुझती नहीं वो बड़ा यानी कि ढकना डाल के फिर बजानी पड़ती है वरना सारा तेल जल के ही वो आग बंद होगी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और सारा कुछ हमारा कुरान शरीफ में है मैंने पहले भी बयान किया कि ये हमारे साथ सलाम है जो हम एक तरतीब से करते पढ़ते हैं तो उसके बाद ये करते हैं हम ना अल्हमदिल्ला पाँव को कुछ होता ना मरीज़ को कुछ होता भी मरीज़ को भी जलन महसूस नहीं होती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को भी नहीं होती कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपसे कहा हो कि आपके दम से फ़र्क नहीं डाला जहाँ इतने मरीज़ होते हैं सौ किसी की अपने कंप्लेन हो सकती है बेटे सारी दुनिया तो खताबे नहीं राजी आप इंसान पे कैसे कोई सारे मानने के लिए तैयार हो जाएंगे अलबत्त हमारे पास ये लंबे लंबे अलकाबात नहीं हैं झूठ फराड़ नहीं है हम ये नहीं कहते या लिखते कि तीन मिनट में महबूब आपके कदबों में महबूब बैठा वक्त कराची तो लाहौर एकदम कैसे आ जाएगा तो ये सफ़ेद झूठ है बेटे अक्सर मैंने लिखा है द्वारा पर लिखा होता है कि फलां फल हो जाएगा शादी पसंद की हो जाएगी ये इनके बारे में आपकी क्या राय है नहीं बेटे ये उसकी मखलू को धोखा दे रहे हैं मतलब ये सारा झूठ है झूठ है बेटे अच्छा मैं आपसे बेटे से बात करना चाहूँगा आप बताएं आपको कितना अर्सा हो गया आपके फादर कर रहे हैं पहले जिसने वो बता रहे हैं कि इंडिया से ये काम स्टार्ट हुआ है तो आपको कितना अर्सा हो गया मुझे इनके साथ तकरीबन दस साल से ज़्यादा खर्सा हो गया दस साल से ज़्यादा खर्चा हो गया जी तो मैंने अभी इसकी हालिया चार साल की ना एफ टी जे फाजिलत वजह इसकी फोर्टी डिग्री होती है प्रॉपर तो मैंने वो लाहौर शादरा से किया है मुकम्मल तो एक प्रॉपर मतलब प्रोफेशनल तरीके से ना मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूँ यानी कि जो मुल्क की जो कवानीन वगैरह होते हैं ना उन पर भी मतलब हम पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं बाबा जी आपके जो दम से काफ़ी लोगों को शफा मिली है तो क्या किसी ने कभी बाहर मुल्क से गोल करके आया कहा हो कि आप आएँ मेरे पास या आप गए अलहमदुल्ला बाहर के मुल्क तक से फ़ोन भी आते हैं और लोग बाग भी आते हैं और यहाँ आल पूरे पाकिस्तान में से आते हैं और मैं इतना ये भी नहीं कि मैं यही लेके बैठा हूँ इक्यासी बयासी में नेस्ले को मिलक पैक थी उस दिए तो शेखपुरा में इसे पहली हरकत मैंने दी है आज मेरी वहाँ पे लाखों की में तनख्वाह होनी थी फिर मुझे इसी मेरे काम में अमेरिका इंग्लैंड जनपन की मुझे ऑफर हुई है उनके मुंह से सवाल निकला फिर बदी मेरे मुंह से निकार निकला मैं कहा नहीं जाना तो इस वजह से कि मैं क्योंकि मैं अकेला कोई और भाई नहीं है तो मैंने कहा मेरे बाप दादे का पौधा मेरी वजह से ना सके तो ये मुझे करना पड़ेगा इस काम को अगर मैं सिर्फ लाहौर ही ले जाऊँ ना बेटे सिर्फ लाहौर तो लाइने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ला मगर लाहौर में झूठ का बाजार गर्म है बिल्कुल अच्छा मैंने तो देखा है आप एक छोटी सी कोठी में बैठे हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है छत भी जो है वो लकड़ियों की और जो पुराने वक्तों की है जो जो लोग इस तरह की काम करते हैं वो तो बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े बड़े घरों में रहते हैं बेटे वो एक ना बहरूप है साँझ को आँचने वाला हिसाब है, है बेटे तो जो कुछ होता है बंदे के अंदर होता है बाहर तो कुछ भी नहीं होता हम हाँ जो हैं वही नज़र आ रहे हैं अच्छा मुझे ये बताएं बाबा जी कि इस्लाम में भी पर्दे का जो ख़ास ख्याल रखा गया है कि यहाँ पर औरतें दम करवाने आती हैं आपसे तो उनके पर्दे का ख्याल रखा जाता है बिल्कुल बेटे वो हमारी माएँ बहनें बेटी हैं अगर कोई ऐसा मरीज हो तो हम उसके हाथ पे देते हैं हम उसे चेक नहीं करते बेटे खुद नहीं करते दूसरा कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें शैतानियत इन, इन्वाल्व नहीं होने देनी बेटे अगर हमारा ऐसा कोई किरदार होगा तो हमारे पास कौन अपनी माँ बहन बेटी को भेजेगा अब हम वो भी इलाज करते हैं जिनका औलाद नहीं होती अल्हमदिल्ला बड़े बड़े सालों बाद बच्चे हुए हैं एक इंग्लैंड से औरत आई कल की मेरा बच्चा है वो बड़े बड़े नाखून है बड़े बड़े बाल हैं मूछें बड़ी नहाता नहीं कपड़े नहीं बदलता बाल नहीं कटवाता बड़ी अजीब सी उलझन है तो जी यहाँ से बैठे कुछ हो सकता है मैं हंस पड़ा मैं क्या मैंने क्या करना अल्लाह करेगा तो मैंने उसे कुछ करके दिया बेटे तो मेरे तो जिन से बात आई गई होगी वो पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड चली गई तो उसका वहाँ से फ़ोन आया कहना ये बच्चा नहा भी लिया उसने बाल भी कटवा दिए नाखन भी कटवा दिए ये अल्लाह आपको इज़्ज़त देता बेटे अच्छा मैंने देखा रजिस्टर आपने रखा हुआ है इस रजिस्टर का क्या काम है इसमें बेटे अगर कुल जैसा मरीज हो ना तो हम उसमें उसे लिखते हैं ताकि इसका फिर ना ये दोबारा आए तो उम्र याद रहे इसमें इधर जो है ना मेरे जितने भी हैं ये औलादों वाले हैं किसी के हो नहीं रहा किसी के ज़ाया हो रहा है तो ये बड़ा यानी कि ये देखो ये लिखा हुआ पहले तीन बच्चे होकर ज़ाया हुए बेटे और ये सात साल से कुछ नहीं कहीं ये लिखा नौ साल से कुछ नहीं सारा कुछ ये बच्चे ग्रोथ नहीं होते अपने गमीर हंजीर मेरा कोई सफ़ा ऐसा नहीं बेटे जिसपे ना छाती के मरीज ना होंगे छाती में कैंसर छाती में गांठ हर हरनिया ये सारा हमारा ना बगैर प्रदर्शन इलाज है ये जो हरनियाँ नाड़ फूलती है मैदा पर यानी कि कोई कैंसर की निशानी छाती में कैंसर हरनियाँ नाड़ फूलती है बखंदर बेटे ऐसा कोई नास चीज कोई नासूर सा हो ना तो जो भी चीज़ है बेटे जाओ डॉक्टर ही नहीं कर, काम कर रहा अलहमदिल्ला वा अल्लाह के कलाम चलती है बेटे हम ये जिस काम में से आप अल्लाह को बाहर निकाल देंगे ना वो आपका काम और शैतान का काम हो जाएगा हर काम के बीच में अल्लाह को रखें बेटे